आज हम बना रहे हैं पराठा और आलू परवल की सब्जी मिक्सी लगा के फिर उनको फ्राई करेंगे, जिससे कढ़ाइया वाला टेस्ट आएगा, फ्राइड ये तो उबला उबला टेस्ट आएगा। ऊपर में भी अगर आपको कढ़ाइया वाला टेस्ट चाहिए तो ये ट्रिक इस्तेमाल करिएगा। आप पराठे बनाने के और ये रोटी का भी आटा था ना, तो उसमें हमने नमक और जीरा मिला दिया, सनी हो जाते हैं, ये हमने सिखाया ऑलरेडी अपने चैनल से। तो ये हमने छोटी सी डाई के लिए बना दी, अब हम पराठा बनाते हैं। तो बस ऐसे ऐसे छेद करके उसमें जीरा अजवाइन जो डालना हो, नमक थोड़ा सा रिफाइंड, बस अब पराठे का डो बना दीजिए जिस साइड पर खाना हो। ये हमने लिया पराठे को, अगर तिकोना पराठा खाना है तो तिकोना बनाएंगे, लेयर बने फिर डाल देते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, पर देसी में शुद्ध घर की बने हुई वो चीज अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं। रिफाइंड इलायची लगा सकते हैं आपको जो लगाना, ज़्यादा जो हो जाता है ना करके अंदर से भी लगाया ये पराठे वाले पराठे को प्रेस कर लेंगे दोनों साइड से, उसे करने के बाद तो बुरा पड़ता है सिक जाने नहीं। अगर दूसरा पराठा देख लेते हैं, अब प्रेस ऐसा दिल्ली की सेब बना रहे हैं, मतलब जो स्क्वायर सेब है डॉक्टर वो बना रहे हैं। इसमें और लेयर आती है, तो ये वाला पराठा रेडी हो गया, तिकोना वाला और ये जो है सब्जी वाला सीधा करना पड़ेगा। बेसन लगा हुआ आता है थोड़ा प्लेट, ये हमारा कुछ बड़ा दोनों तरफ से अच्छे से
के फोन भी आया जैसे मतलब पराठे अच्छे से सीख गए हैं, मिला लिया अलग ये चौकोर वाला बहुत अच्छा लगता है लेकिन मछली भी नहीं आएगा इसलिए देखिए कितनी ले आ रही खुल रही है यहाँ पर तो आपको तो पसंद आया आपको वाला ट्राई आपकी जानकारी से आपकी सब जो है